हेलो बच्चों वेलकम बैक टू आर चैनल इजी वे टू स्टडी बच्चों आज हम आपके लिए आए हैं क्लास एट की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने टीचर का नेम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट उससे पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें प्रमेंट सर शेयर करना और लाइक करना ना भूलें चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट आज की हमारी वर्कशीट का राइटल है बच्चों लाइट आज हम लाइट और उससे जुड़े कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आप इन सभी को इस वर्कशीट में पढ़ सकते हैं इसमें बच्चों हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जब एक इमेज एक प्लेन मिरर पर फॉर्म होती है उसके बारे में चलिए देखते हैं बच्चों आज की हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर तो बच्चे इसमें आप लिख सकते हैं फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर फर्स्ट है इमेज फॉर्म प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट यानी इमेज जो प्लेन मिरर से बनती है वह सीधी होती है और जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की होती है सेकेंड एट द इमेज इज बिहाइंड द द द मिरर एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी इमेज जो बनती है हमारी वह मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है अंदर की तरफ जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर से नेक्स्ट द इमेज बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन इट इज अ वर्चुअल इमेज जो बच्चों एक इमेज बनती है मिरर से वह आपकी स्क्रीन पर नहीं उतारी जा सकती इसलिए उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं इन प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट बच्चों एक प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट का राइट right उसके लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट उसका राइट right में दिखता है दिस इज कॉल्ड लेटरल इनवर्जन इसका आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर पिंकी एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देख रही थी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज फोर मीटर जो मिरर है उसके और पिंकी के बीच में डिस्टेंस फोर मीटर का था इफ शी मूव वन मीटर टुवर्ड्स दी मिरर देन वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज अगर वह मिरर की तरफ एक मीटर आगे बढ़ती है तो पिंकी और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है पहले हमें जो डिस्टेंस दिया गया था वह मिरर और उसकी इमेज के बीच में था यानी मिरर से पिंकी की दूरी भी चार मीटर की होगी अब बच्चों एक मीटर का डिस्टेंस कम हो गया पिंकी और मिरर के बीच में तो क्या होगा मेज के बीच में और मिरर के बीच में भी डिस्टेंस कम हो जाएगा एक मीटर से तो अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है पिंकी और उसकी इमेज के बीच का कैसे, नि, कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड इमेज इक्वल टू तो, डिस्टेंस ऑफ पिंकी फ्रॉम मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर जो हो जाएंगे थ्री मीटर प्लस थ्री मीटर ये आपका आंसर निकल के आएगा सिक्स मीटर्स अगला क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर अपीयर्स एक्सैक्टली लाइक द लेटर्स

ये आपकी वॉपशियर लास्ट क्वेश्चन था इसी के साथ आपकी वॉपशियर यहाँ पर कंप्लीट होती है आई होप आप आपसे भी अच्छा समझ में आई होगी बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू